एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद है। जिन पुलिस वालों को पहली ही बार इन्होंने कंप्लेंट दी थी उन्होंने जो एफआईआर नहीं करी उनके खिलाफ एफआईआर सुप्रीम कोर्ट कराने के आदेश देती तब शायद हो जाता। 10 लाख अरबपति खरबपति करोड़पति देश को छोड़कर विदेशों की नागरिकता ले ली है, विदेशों की। तो ये विकास है, ये सरकार का कहना है। और सरकार कहती है देश में बहुत बढ़िया शिक्षा है, लेकिन आज की तारीख में 8 लाख बच्चे पर ईयर इस देश को छोड़कर विदेशों में जाके शिक्षा ले रहे हैं, ये सरकार कहती है। और सरकार कहती है सब कुछ बढ़िया हो रहा, बड़ा विकास हो रहा है। 60 साल में इस देश ने 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया और 8 साल में इस देश ने 9 साल में इस देश ने 110 लाख करोड़ रुपए कर्जा और ले लिया। इस देश की उस गंभीर स्थिति की तरफ इशारा करता है जहां अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हमारे देश के हैं अगर उनकी एफआईआर दो दो बार धरने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद होती है तो आप कल्पना कर सकते हैं उन लोगों की जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जो गरीब हैं, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, जिन्हें जाति के नाम पर धर्म के नाम पर मारा जाता है, उनके खिलाफ अत्याचार होता है, जिनको गरीब मानकर जो गरीब हैं उनको दबाया जाता है, आप उनकी कल्पना कीजिए। आप ये तो इतने महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनकी एफआईआर में ये हाल है। और ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है, अभी यहाँ पे कुछ जो लोग वो कह भी रहे हैं बल्कि जो खिलाड़ी हैं वो कह रहे हैं कि ये तो आज की बात आ रही है सामने, ये तो पिछले 25 साल पहले भी यही होता था। इसका मतलब ये है कि स्थिति इतनी गंभीर है कि खेल जैसी पवित्र संस्थाओं में जो देश का नाम करते हैं खिलाड़ी उनका शोषण अब से नहीं बहुत पहले से हो रहा है। तो सरकारें क्या कर रही हैं, सरकार के नेता क्या कर रहे हैं, वो अधिकारी क्या कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है इस सबको खेल प्रतिभाओं को निखारना और इन सबको खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं देना, उनका ध्यान रखना, इस स्थिति की गंभीरता को समझिए आप। लेकिन जिस बाहुबली नेता पर यह आरोप लगा है उनका सीधा सीधा कहना यह है कि आप जांच करा लीजिए और जांच कराने में यदि कुछ ऐसा दोषी पाया जाता है तो मैं खुद ही जांच में सपोर्ट करूंगा। इतना बड़ा आंदोलन करने की जरूरत क्या है? नहीं, इन्वेस्टिगेट जब पहले एफआईआर नहीं हो रही है जांच तो बाद में होगी भाई। भाई पहले एफआईआर होगी तभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी। और एफआईआर के लिए दो दो बार धरना देना पड़े और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हो तो अब बाद की चीज तो बहुत बाद में है। अब अगर उनको लगता है भाई जांच करा लीजिए, अपराधी हैं कुछ, अब इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में पूरा पुलिस को सहयोग दीजिए और पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, जो दोषी ना हो उसको छोड़े। वकील साहब, एक सवाल ये है कि जो बैठी हुई है पहलवान, उन्हीं में से एक की बहन ने इनसे आह्वान किया कि आप हट जाइए धरने से, यानी कुल मिलाकर विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये उनसे पूछो आप कि तुम क्यों कह रहे हो भाई इनको हटने के लिए, मेरे से मत पूछो ये सवाल। नहीं तो बहन का दर्द बहन नहीं समझ पा रही है तो देश कैसे समझेगा? क्या बात करते हो, इसी देश में कोरोना काल में देखा ना हमने, अपने की शरीर तक को हमने नहीं छुआ, बेटों ने बाप की लाश को नहीं छुआ, किसकी बात कर रहे हो? जिस देश में इतना स्वार्थी इंसान हो वहाँ रिश्तों की आप बात कर रहे हो? ये रिश्ते सब भी मतलब के लिए होते हैं अधिकतर। तो कहाँ कैसे पॉलिटिकल कोरोना समझ लिया, मुझे नहीं पता कि क्या समझ लिया क्या नहीं हुआ, लेकिन लोगों की विचारधारा अपनी होती है, अपने स्वार्थ होते हैं, कौन किस वजह से क्या बात कह रहा है या किससे किस वजह से कहलवाई जा रही है, किसी दबाव से कहलवाई जा रही है या कोई ऐसी बात है। जिस बाहुबली के ऊपर 38 मुकदमे दर्ज हों और उनके ऊपर जब ये 6 दिन के बाद में एफआईआर दर्ज होता है तो क्या मुकम्मल जांच हो पाएगी? मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ करे, निगरानी करे, हो सकता है इन्वेस्टिगेशन फेयर हो जाए। और हो सकती थी इन्वेस्टिगेशन फेयर मेरे विचार से अगर जिन पुलिस वालों को पहली ही बार इन्होंने कंप्लेंट दी थी उन्होंने जो एफआईआर नहीं करी उनके खिलाफ एफआईआर सुप्रीम कोर्ट कराने के आदेश देती तब शायद हो जाता। सर, ब्रिजभूषण सिंह पे 2 अभी एफआईआर दर्ज की गई है, एक तो यौन उत्पीड़न का और एक पासपोर्ट, इसमें सजा का क्या प्रावधान है? नहीं, सजा तो बतेरी है भाई प्रावधान, सजा तो आजीवन कारावास तक है। अच्छा, सजा की तो कोई वो नहीं है, बट बात यह है कि पहले इन्वेस्टिगेशन तो हो फेयर तरीके से, सजा तो बाद में आएगी, पहले इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन फेयर होने के बाद में चार्जशीट फाइल हो, उसके बाद में वहाँ प्रॉपर तरीके से कोर्ट में केस हो, गवाही हो, सबूत आए, उसके बाद की बात है ना सजा की। तो सर, बिजली काटी जा रही है जिस तरीके से, यहाँ से कहा जा रहा है, अरे गर्दन नहीं काट दी भाई,
इस बात का शुक्र मनाओ आप, अभी तो बिजली काटी भाई, बहुत कुछ हो सकता है। वकील साहब, यहाँ बिल्किस बानो के अपराधियों को संस्कारी कहकर छोड़ा जा सकता है, माला तो क्या आपको आपको लगता नहीं कि ब्रिजभूषण के साथ भी कुछ, वो भी तो संस्कारी हैं? लगता नहीं, मैं तो जानता हूँ भाई, इस देश में न्याय नहीं मिलता किसी को, केवल न्याय का एक ड्रामा होता है, देर सवेर कहीं किसी के पक्ष में फैसला आ जाता है, बाकी कुछ नहीं है, न्याय नहीं मिलता यहाँ पर। ऐसा लगता है कि संस्कारी ठाकुर उनको घोषित किया जा सकता है? पता नहीं, आपको घोषित करवा दो आप, ये करने अपने आप कर ले, मेरा नहीं मिलता। और सरकार कहती है पूरी संवैधानिक व्यवस्था से सरकार चला रही है, देश चल रहा है। सरकार के कहने से चीज़ें नहीं बदलती हैं, सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटियाँ क्यों बैठी हैं, यही कहती ना सरकार। सरकार तो ये कहती है कि इस देश में सब कुछ बढ़िया हो रहा है। क्या बढ़िया हो रहा है? सरकार ने अपने आप ही 2022 में संसद में जानकारी दी कि 22 करोड़ लोगों ने हमसे रोजगार मांगा, हम केवल 7 लाख को दे पाए, यही सरकार कहती है ना। यही सरकार है जो एक तरफ कहती है कि देश विकास कर रहा है, लेकिन इसी देश में से पिछले 9 साल में से 10 लाख अरबपति खरबपति करोड़पति देश को छोड़कर विदेशों की नागरिकता ले ली है, विदेशों की। तो ये विकास है, ये सरकार का कहना है। और सरकार कहती है देश में बहुत बढ़िया शिक्षा है, लेकिन आज की तारीख में 8 लाख बच्चे पर ईयर इस देश को छोड़कर विदेशों में जाके शिक्षा ले रहे हैं, ये सरकार कहती है। और सरकार कहती है सब कुछ बढ़िया हो रहा, बड़ा विकास हो रहा है। 60 साल में इस देश ने 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया, और 8 साल में इस देश ने 9 साल में इस देश ने 110 लाख करोड़ रुपए कर्जा और ले लिया, यानी जो 55 लाख करोड़ था कर्जा 2014 में, आज की तारीख में बढ़ के वो 165 लाख करोड़ हो गया। तो सरकार की कथनी और करनी, और फिर मोदी की कथनी और करनी, नहीं उसमें तो वैसे भी सर ये कहने की पहलवानों का ये धरना नहीं है, ये वहाँ पे पॉलिटिशियनों की एंट्री हो गई और ये पॉलिटिकल अड्डा बन गया है। वो तो पहले भी कहती थी, किसानों के आंदोलन में भी यही कहा, CNRC के आंदोलन में भी यही कहा। वो किसान, वो सरकार की अपनी लाइन है कि किस तरह से विरोध करना है, उसके कहने से आंदोलन जो जनता का आंदोलन है, पहलवानों का आंदोलन है, इस देश की बेटियों का आंदोलन है, वो राजनीतिक नहीं बन जाएगा। तो कहने क्या लगता है, ब्रजभूषण ये कह रहे हैं कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। ये ब्रजभूषण से पूछा ना, मेरे से काई पूछ रहे सवाल, नहीं, तो उसने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। क्या लग रहा है सर, पद पे बैठकर मतलब इंसाफ, ये ब्रजभूषण से पूछे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर जो बोला है, क्योंकि सरकार का जो अतीक का एनकाउंटर हुआ था, हत्या हुई, उस पे कुछ बोला है, इन सब चीजों को लगातार सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से बोलता जा रहा है, इससे क्या लगता है? नहीं, अच्छी बात है, अगर कहीं अपराध हो रहा है, अन्याय हो रहा है और सरकार द्वारा प्रायोजित अपराध हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को बोलना ही चाहिए भाई, वो संविधान की रक्षक हैं, उन्हें संविधान की रक्षा में आगे आना ही चाहिए, बोलना चाहिए, और ये अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। लेकिन ये सर सरकार द्वारा प्रायोजित ये क्या बात है, आप इस तरह से कैसे पूछ सकते हैं? ये आँख मार के क्यों कह रहा हूँ, मैं सीधा ही बता देता हूँ ना। जब सरकार सोल है, हथियारबंद, अत्याधुनिक हथियारबंद लोगों की सुरक्षा दे, और वो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कहें कि उनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, उनके होते हुए 3 लोग आके 30 राउंड फायर करके 2 लोगों की हत्या कर देते हैं, और वो साथ में जो पुलिस वाले हैं उनका हाथ अपनी पिस्टल तक भी नहीं जाता, क्या समझ में नहीं आता है कि सरकार द्वारा कराया गया कत्ल है ये? 40 साल में माफियाओं का आतंक था, उसका अंत हो गया, अब क्या दिक्कत? बिल्कुल, मिल गए माफिया। तो सरकार माफिया बन गई अब है, सरकार माफिया बन गई, तो आप भी यही कहेंगे, तो कल अगर आप माफिया बने तो आपके खोपड़ी में इसी तरह से गोली उतार देनी चाहिए, यही कह रहे हैं ना आप? इस देश में कानून का, संविधान का राज है या नहीं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई भी कितना बड़ा अपराधी हो, लेकिन उसको सजा कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए, कानून के तहत मिलनी चाहिए। अगर उसमें कहीं कमजोरी है तो आप उसको मजबूत करो, ये नहीं कि आप हथियार लेके और आप न्याय करने निकल जाएंगे। तो कल यही होगा, जिसके पास हथियार होगा, जिसके पास ताकत होगी, जो उसके विरोध में होगा उसकी कनपट्टी पर गोली मारेगा, काम खत्म। यही चाहते हैं आप, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं? हम तो नहीं चाहते, लेकिन जो पब्लिक नहीं, आप यही कहना चाह रहे हैं, पब्लिक में खुशी, पब्लिक में जो खुश है ना, वो लोग जो पब्लिक में खुश हैं, वो लोग अपराध को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, अपराध को बढ़ावा देने की बात। जो लोग आज खुश हैं, आप कल्पना कीजिए कि आज सत्ता जिन लोगों के हाथ में है, अगर कल सत्ता बदल गई और जो भाषा आप बोल रहे हैं, जो तरीका आप अपना रहे हैं, उन्होंने भी अगर बदले की कार्रवाई में यही सब किया, तब क्या होगा भाई? क्या आपको वही उसी तरह का माहौल चाहिए? नहीं ना, माहौल जो भी हो,
कितना भी बड़ा अपराधी हो, कुछ भी हो, संविधान और कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। सर, लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी जो नहीं, लोगों के लिए मेरा सीधा मैसेज, इस देश के लोगों को जहाँ कहीं भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। उन्हें ये नहीं सिद्ध करना चाहिए कि वो मुर्दे हैं, उन्हें इस बात का सबूत देना चाहिए कि वो जिंदा हैं, और जिंदा लोग चुप नहीं रहते, आवाज उठाते हैं, लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। और एक और मैसेज, रुक जाओ भाई, काटो मत, बढ़िया, सबसे बढ़िया मैसेज है कि जो सरकार आज की तारीख में ये सब कुछ कर रही है, जो अपराधियों को संरक्षण दे रही है, 2024 में सरकार को उखाड़ के फेंको। और सरकार को उखाड़ने का तरीका है कि ईवीएम को उखाड़ के फेंको, पहले ईवीएम उखाड़ो, फिर बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, और फिर इस सरकार को उखाड़ कर फेंको, तभी देश बचेगा, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। सरकार नहीं सुनने वाली है। अच्छी अच्छी सरकारें आई, यही सरकार किसान आंदोलन में सुना के नहीं सुना, 13 महीने के बाद, 13 महीने कोई क्या दिक्कत है, इसी एनआरसी में सुना के नहीं सुना, जो SC ST एक्ट के विषय में 2 अप्रैल 2018 को हुआ, सुना के नहीं सुना, खूब सुनती है सरकार, सुनाने वाले होने चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे, जब तक ये भाजपा